कि संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की आपके सामने में, हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द इंटायर स्टेट टू रैंसम, ये आपने सुना है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और यह भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। What is emerging thereafter about the patent assault, humiliating treatment, sexual assault of women is a shame on our society and democracy. ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं, क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुविंदर जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कन्फर्म किया। मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा, दिल्ली के, किसी का नाम लेने की आवश्यकता, जिस तरह उन्होंने कवर किया और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है, वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ये क्यों है? क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है, क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? और आपको याद होगा कि ममता जी ने जब सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था, वो बहुत अनिश्चितकाल तक अनशन में बैठी थी, तो हम सभी उनके मुरीद बने, उनकी बहुत तारीफ किया, जो संघर्ष किया वो उस संघर्ष से आगे निकली है। और क्या हो गया है कि आज उनका अत्याचार, पुलिस का दमन, सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है? कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती हैं क्या? ये हम जरूर कहना चाहेंगे।